और ठंड के चलते अब शिक्षा विभाग ने भी स्कूली बच्चों को राहत दी है। सिरसा में अब नए साल के पहले ही दिन से यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। जिला मौलिक के शिक्षा अधिकारी आत्मप्रकाश मेहरा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सर्दियों को देखते हुए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ये छुट्टियां सभी निजी और सरकारी स्कूलों में रहेंगी। अभी सर्दियों की छुट्टी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की स्कूलों की छुट्टियां घोषित, उसमें जैसे कि हम सोच रहे हैं कि बोर्ड की जो हमारी परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की है, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाने के लिए कहा गया है। उसमें बच्चे भी तैयार हैं और अध्यापक भी तैयार हैं और इसलिए हमारे 1 से 15 जनवरी तक ये सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। सभी स्कूल के मुखिया को इस बारे में अवगत करवा दिया गया, जो लेटर आया है उसके सारी की सारी पालना के हेतु लिख दिया गया। बिल्कुल, जो छुट्टियों का है, जो भी सरकार के आदेश है इस प्रकार के सारे सरकारी और प्राइवेट पर दोनों पर ही लागू रहते हैं। अब की बार इसमें थोड़ी सी ये जरूर हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल हम 2 क्लास 10वीं और 12वीं लगा रहे हैं, तो इस करके हम प्राइवेट स्कूल वाला भी अगर इस प्रकार की लिखित में हमसे जब अनुमति लेगा तो हम उनको भी अनुमति दे देंगे। कोचिंग सेंटर का डायरेक्टली एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जैसे कोरोना काल था या कुछ और था, इस प्रकार की अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पावर दी जाती है तो हम उन पर जरूर प्रयास कर सकते हैं। डायरेक्टली हम उन पर कोई ज्यादा नहीं। यमुनानगर में तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। धुंध और कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है।